हाँ माँ। बेटा तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पापा सब मुझे छोड़ के चले गए हैं। अब तुम नहीं मुझसे दूर रहोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वापस आ जा, वापस अपने सारे बिजनेस को संभाल ले, सब तेरा ही तो है। ठीक है, मैं कल ही निकलता हूँ। मेरा नाम अमित है, इसका नहीं, मेरा। ये है मेरा छोटा भाई रवि। मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, मतलब थे। बचपन में मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और इसी प्यार के कारण मैं बिगड़ता चला गया। ठीक इसके विपरीत रवि पढ़ने में बहुत होशियार था, हर बार क्लास में फर्स्ट आता। फर्स्ट तो मैं भी आता, लेकिन नीचे से। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे बिगड़ता चला गया। ये देख के घर वालों की चिंता और बढ़ गई और एक दिन पापा ने मुझे ये कह के घर से निकाल दिया। रवि को देखो और तुम अपने आप को देखो, ये जमीन जायदाद कहीं जाने वाले नहीं है, ये तुम दोनों के ही हैं। लेकिन पहले अपने पैरों पर सही तरीके से खड़े तो हो जाओ। जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल तभी दिखाना जब तुम कुछ बन जाओ, समझे? चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। पूरी रात मैं अकेला स्टेशन पे बैठा यही सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। और सुबह जब मुंबई जाने वाली ट्रेन को देखा तो बिना कुछ सोचे समझे उसमें बैठ गया। और ठीक एक साल बाद मैं घर गया। मैंने पापा को बताया कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है। ये सुन के सभी खुश हो गए। मैंने रवि से कहा कि मैं उसे भी मुंबई बुलाना चाहता हूँ, ऑफिस में एक बहुत बड़ी पोस्ट खाली है। तो रवि ने कहा कि सोच के बताता हूँ। मैं वापस मुंबई आ गया, रवि मान गया और एक हफ्ते बाद वो घर से मुंबई के लिए निकला। और आज एक महीने हो गए हैं और वो अभी तक मुंबई नहीं पहुंचा है। घर वालों ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में की। रवि को कहां कहां नहीं ढूंढा पर वो नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? क्या क्या उठना, दुनिया में एक तू ही सबसे अच्छा इंसान नहीं था कि साला कोई भी कहीं से आके मुझसे कहता कि रवि की तरह बनो, रवि की तरह करो। ये सुन सुन के मैं पागल हो गया था। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि शैतान बदलने का नाटक कर सकता है पर बदल नहीं सकता है। जा, आज तुझे हमेशा के लिए इस दर्द से मुक्त कर दिया। अब ये सारे जमीन जायदाद सिर्फ चलता हूं। गुड बाय।